हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पीयूष गज्जर स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेडियन कैडकैम में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फोर्थ एक्सिस का रैपिंग मेथड। तो रैप कैसे किया जाता है प्रोग्राम को, आइए देखेंगे इस वीडियो में। तो आखिर तक बने रहिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो और आप इसे कम्प्लीटली रैप कर सके। तो आइए स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक प्लानर मिल का प्रोग्राम बनाया हुआ है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मैंने ये कऊ जो है रैप करके उठाया हुआ है, अनरैप करके, सॉरी, ये कऊ को मैंने अनरैप किया है। तो ये मेरा पार्ट बाउंड्री है इस टाइप से, और मैंने एक ऑफसेट कऊ लेके यहाँ से उसे ब्लैंक बाउंड्री दिया हुआ है। और मैंने डेप्थ में 5 mm डेप्थ में एक प्लेन क्रिएट किया है, क्योंकि इसका डेप्थ मेरा जो है 5 mm का है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे 8 की एंडमिल से मैंने प्रोग्राम बनाया है। कट पैटर्न में फॉलो पार्ट है, और ये वापस में एक बार जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से मेरा टूल पाथ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये भी आप देख सकते हो पूरा प्लानर में हो रहा है रिप्ले। ये पूरा मेरा प्लानर है और मिल प्लानर यहाँ पे प्रोग्राम भी आपको दिख रहा है ये। ओके, अब हमें करना क्या है, यहाँ से आउटपुट CLSF लेना है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आउटपुट CLSF। तो ये ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये मैंने यहाँ पे करके रखे हुए हैं, तो इसे मैं फिलहाल एक डिलीट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, और यहाँ से अगर आपने को CLF आउटपुट लेना है तो यहाँ से आउटपुट आप इसमें से कोई भी मेथड ले सकते हो जो आपको सूट हो। और यहाँ से हम लोग रैप 3 में जाके ये ओके और ये ओके, तो कुछ इस टाइप से आपको आउटपुट मिल जाएगा। और वो हमें करना है यहाँ पे अप्लाई, यहाँ से बाउंड्री की जगह पे हम लोग ले लेंगे टूल पाथ, ये ओके। तो ब्रैक वाला जो टूल पाथ है मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ओपन। ठीक है, और ये मैंने अभी आपके सामने आउटपुट लिया, वो भी ओपन कर लेते हैं। ये सारे ओपन ही है यहाँ पे, मैं सारे पहले क्लोज कर देता हूँ आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये ब्रैक 3 है, इसे हम ओपन कर लेते हैं, और ये ब्रैक वाला ओपन कर लेते हैं जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। ये ब्रैक हो गया, ये ब्रैक 3 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों में इस टाइप से आउटपुट मिल जाता है। शायद ये अलग अलग मेथड से मैंने लिया हुआ है, इसके वजह से ये थोड़ा अलग दिख रहा है। ये ब्रेप ये ओके दे देना यहाँ से, यहाँ से टूल पाथ सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट ऑल और ये ओके। यहाँ से हम लोग टूल सिलेक्ट कर लेंगे, मैं जनरेट करता हूँ। तो यहाँ से एक टूल सिलेक्ट करना होगा, तो हम लोग 8 का एंडमिल ले लेते हैं और ये जनरेट करेंगे। तो कुछ इस टाइप से मेरा टूल पाथ जनरेट होके मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग रोटेट भी करवा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने YouTube पे एक मेंबरशिप वाला फीचर जो है वो ऑन किया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये रहेगा आपको कि एक तो वहाँ पे मैंने टर्निंग का फुल कोर्स डाला हुआ है, जिसमें ओडी रफ, ओडी फिनिश, आईडी रफ, आईडी फिनिश, ग्रो, ओडी साइड ग्रो, आईडी साइड ग्रो, फेसिंग ग्रो, थ्रेडिंग हो गया, ओडी साइड, आईडी साइड, पार्टिंग्स हो गए। टोटल चीज मैंने जो भी टर्निंग प्रोग्रामिंग के लिए यूज में आता है टेक्निकली, वहाँ पे मैंने पूरे वीडियोस में पूरा क्लियर करवाया हुआ है। तो आप वहाँ से, नॉमिनल प्राइस है कुछ वहाँ पे मैंने रखा हुआ, तो नॉमिनल प्राइस से टर्निंग का प्रोग्रामिंग NX में सीख सकते हो। तो ज़रूर वहाँ पे पार्टिसिपेट करिए और हमें सपोर्ट करिए। दूसरी एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शायद आखिरी वीडियो होगा NX 12 का। अब हम लोग नया जो अभी का लेटेस्ट वर्जन है उससे एक वर्जन डाउन, मतलब कि 22.12
उसमें हम लोग अब वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। फिर अगर बीच में कुछ ऐसा लगा कि NH12 का ये वीडियो डालना चाहिए तो वहाँ पे हम लोग वो भी लेके आएंगे। बट अभी जो सीरीज स्टार्ट होगी वो 22/12 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। काफी सारे अपडेट्स हैं तो मैं पूरे अपडेट्स नहीं लूंगा, 22/12 से हम लोग चालू करेंगे जो अभी फिलहाल लेटेस्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से मैं इसे रोटेट करवा देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट में जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, रोटेट अबाउट लाइन है, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है आप अपनी तरह से यूज कर सकते हो। उसमें मैंने यहाँ पे 2 points किया हुआ है, तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये दो के बीच में जो मेरा सेंटर लाइन है वहां से 60 degree पे मुझे 5 copies चाहिए। ये ओके, ये सारे सिलेक्ट और ये सारे में आप देख सकते हो कि टोटल में आपको प्रोग्रामिंग मिल जाएगा। इसे सारी सिलेक्ट करके आप आउटपुट भी ले सकते हो। और ये जो मैंने आपको रैप वाला मेथड दिखाया, गो टू वाला कुछ लैंग्वेज आ रहा था, वो आपको डायरेक्ट यहां से भी मिल जाएगा। यहां से ये लिस्ट ओपन करोगे तो भी आपको सेम मिल जाएगा। मैं वापस से एक बार ट्राई करते हैं। टूल बार ये ओपन कर लेंगे, ओपन, और ये इसे भी क्लोज करते हैं। सेम लैंग्वेज गो टू वाला, तो ये आपको यहां से भी मिल जाएगा। बट बेटर है आप CLSF से आउटपुट लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सपोर्ट करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम नए नए वीडियो इसी टाइप से आपके लिए लेके आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।